का वक्त लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से लेकर अब तक अभी बहुत सारे लोग एक स्पीचेस करे हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे लोग सामने रखे हैं, और मेन एजुकेशन के ताल्लुक से, अलग अलग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ताल्लुक से अलग अलग प्रॉब्लम्स बोले हैं। और मेन चीज अब जो फिल वक्त मुस्लिम कम्युनिटी तरजीह देना है, जो एक मेन चीज है वो है हमारे ऊपर जो जुल्म चल रहा है, ये जुल्म के खिलाफ में हम क्यों किस तरीके से काम करना है, उसके मैं एक तीन चीजें बताना चाहता हूं। अभी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हमारे को मालूम है, एक हिजाब का मसला और हलाल का मसला है, बीफ का मसला है, अजान का मसला है, लाउड स्पीकर कम करने का मसला है, और ज्ञानवापी मस्जिद का है, कभी बाबरी मस्जिद का आता है, कभी रामनवमी रैली के नाम से क्या है मस्जिदों को पत्थर मारना, चप्पल फिरकारना, ऐसा अलग अलग क्या है प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? बहुत सारे प्रॉब्लम मैं गिनते गाऊं बोले तो तकरीबन घंटे से ज़्यादा मेरी स्पीच हो जाती, अभी मौका नहीं है। अभी इसका एक सॉल्यूशन ये है, हम जो नौजवान अभी मुस्लिम ऐक्यवेदी के नाम से जो काम कर रहे हैं, इसी तरीके के साथ में हर मोहल्ले के अंदर 50 नौजवानों की एक टीम बनाना है। हर मोहल्ले के अंदर 50 नौजवान, एक निठर, एक बहादुरी नौजवान की एक टीम बनाना है। ये प्रैक्टिकल करना है जो काम है भाई, सब लोग जितने भी लोग मेरा पैगाम सुन रहे हैं ये नोट करना भी जरूरी है, क्योंकि मोहल्ला वेलफेयर टीम के नाम से क्यों ना हो, एक मुस्लिम ऐक्य वेदिका की टीम से क्यों ना हो, मोहल्ला तहफ्फुज़ के टीम से क्यों ना हो, ये कौन सा भी एक नाम से क्या है, आपके मोहल्ले के अंदर एक टीम को बनाना है। ये टीम का काम क्या होता भाई? दूसरा, एक टीम का काम क्या होता है? तालीमी एतबार से इनको एजुकेशन देना है। दूसरा है लीगली डिफेंस किस तरह से हमें करना है। बेसिक नॉलेज क्या है हमारे कौम को, लीगल का नॉलेज नहीं है। ये लीगल नॉलेज, बेसिक नॉलेज हमारी जो मोहल्ले के अंदर टीम बनाते हैं, ये टीम के जरिए क्या है बेसिक नॉलेज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को हमें देना है। ये बेसिक नॉलेज से बहुत ज्यादा हमारे को क्या है फायदा होता है। तीसरा है तैयारी करना है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे वाइदुल अहम मस्तात मिन खुआ, तुम्हारी इस्तात के मुताबिक क्या है तुम ताकत जमाओ, दुश्मन के दिल में मैं डर डाल तुम्हारे को, अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान के अंदर। हमें क्या है अल्लाह ताला के कुरान की बात भी मानना है, हमारी संविधान की बात भी मानना है। ये संविधान के अंदर गलत क्या भी नहीं, ताकत बनाना, अल्लाह ताला सेल्फ डिफेंस के वजह से कुरान में भी इजाजत दे रहा है, और हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 96 से लेकर 106 तक अभी क्या है हमारे को इजाजत है सेल्फ डिफेंस करने के वजह से। हमें जाकर किसी को मारना, किसी के ऊपर जुल्म करना ये गलत बात है। जब हमारे पास जुल्म हो रहा है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ने का इजाजत हमारा संविधान भी दे रहा है, हमारे को कुरान भी दे रहा है। इसके बुनियाद पर हम ताकत बनाना है, और उसी के साथ हमारे मस्जिदों से क्या है पूरे उलमाए को मैं एक मेरा एक रिक्वेस्ट भी बोल समझो है आप, और मेरा एक क्या बोलते सजेशन भी समझो है, हर मस्जिद से एक पैगाम जाना है। आज के हालात के दौर में, दौरे हालात के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों की जिम्मेदारी क्या बनती है, औरतों की जिम्मेदारी क्या बनती है? अभी देखो जितने भी पुराने दौर में दुश्मन ज्यादा टारगेट करता है वो औरत के ऊपर टारगेट करता है, क्योंकि मुसलमाना के घर के औरत को उनकी इज्जत लूटेंगे, मुसलमान जो भी लड़ने के लिए आ रहा है उनके घर में बैठ जाता है, ये टारगेट करके क्या है दुश्मन काम कर लेगा ऐसा। अभी इसलिए हमारे औरतों को भी तैयार करना है, मस्जिद के जरिए पैगाम भी जाना है, हमारे नौजवानों को भी रेडी करना है, और हमें दुश्मन किस तरीके से हमारे को मारने के लिए आ रहा है उस तरीके से उसे जवाब देना है। कभी उन मीडिया में आ रहा आप भी मीडिया में जाकर उसको जवाब दो, कभी उन रोड पे आ रहा है आप भी रोड पर खड़े हो जाओ, कुछ डंडा लेके आ रहा है आप भी डंडे रेडी करो, कुछ ताकत बना रहे आप भी तो कुछ ताकत बनाओ। नबी